राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो शरद यादव पूर्णिया पहुंचे। शरद यादव ने इस दौरान पटना में आयोजित हुई एनडीए की संकल्प रैली को अनैतिक गठबंधन की रैली बताया। ये जो रैली है, ये जो एनडीए है, यहाँ 11 करोड़ लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया था। तो ये जो रैली हो रही है, ये गठबंधन जो है अनैतिक है। यहाँ के 11 करोड़ लोगों ने 2/3 बहुमत से यहाँ जो सरकार बनाई थी, तो कांग्रेस और आरजेडी को धक्का दे करके वहां चले गए। और ये रैली जो है वो एक तरह से अनैतिक गठबंधन। शरद यादव ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि आज आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है और इस पर पूरा विश्व एक है। सबको मिलकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ संपूर्ण देश है। आतंकवाद दुनिया का सवाल है, तो आतंकवाद की लड़ाई देश की लड़ाई है। वहीं मधेपुरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर शरद यादव ने कहा कि अभी महागठबंधन की बैठक नहीं हुई है, जल्द ही महागठबंधन की बैठक होगी जिसमें कौन पार्टी कहां से लड़ेगी इस पर विचार किया जाएगा। महागठबंधन यहाँ जल्दी सब तय हो जाएगा। महागठबंधन चुनाव लड़ेगा सब जगह। कितने सीटों पर सर? ये अभी तय नहीं है, अभी जा रहे दिल्ली, इसके बाद तय होगा। कह रहा हूँ कि महागठबंधन की मीटिंग अभी हुई नहीं है। इसी तरह का सवाल उसका जवाब देने के लिए सब लोग मिल बैठ करके आगे बढ़ेंगे। बता दें कि मधेपुरा लालू यादव का मजबूत गढ़ माना जाता है। लालू यादव 2 बार मधेपुरा सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मधेपुरा से 2014 में पप्पू यादव ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन अब पप्पू यादव अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। शरद यादव भी जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। दोनों की नजदीकी अब कांग्रेस के साथ है। देखना होगा कि महागठबंधन की ओर से टिकट पर दोनों की दावेदारी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।